suno, 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 suno. Gawa, 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 suno, 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 gawa, suno, suno, gawa, gawa. Stop. यार क्या हुआ हम पूछ जब तू बोलने नहीं देगा तो मैं कैसे बताऊंगा क्या हुआ अच्छा बोल बोल क्या हुआ द कपिल शर्मा शो इतने मुंह तेरे इतनी आधी रात को ये सुनाने के लिए तू हमें बुला रहा था नहीं नहीं मैं तो ये सुनाना चाहता था कि रेडियो में मैं गाना सुन रहा था तुम भी सुनो बड़ा अच्छा बज रहा है जिस दिन भगवान ने हमारी सुन लिया बाद में ये चीजें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जिसकी खुद की बीवी नहीं सुनती उसकी भगवान सुनेगा 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 आज तू क्या तेरा पूरा खानदान सुनेगा एक मिनट इतनी टुच्ची सी बात सुनाने के लिए हमारे खानदान को बुलाने की जरूरत नहीं हम दोनों ही सुनेगा जो सुनेगा बस खानदान कहाँ से इकट्ठा करेंगे खानदान अभी टिकटें भेजेंगे उनको अरे तेरे खानदान में है ही कौन एक ये चूजी एक ये चूजा ए समझा ले इसको मेरी मम्मी लग दी आप खुद समझाओ उनको समझा मेरे को जो मर्जी आए वो तू सोच के कहना इसको कुछ भी कह ले कोई कह के दिखाए मुझे आज देखते हैं हमें कौन रोकता है कहने से हैप्पी बर्थडे बेटे पूरे 250 ग्राम का केक है पापा चाकू ही नहीं है मैं काटू कैसे बम्पर बम्पर चाकू ले आओ बम्पर केक तो गया भाड़ में ये क्या है लेकिन मैंने कहा था कि मैं अंडे वाला केक नहीं खाती देखो केक में तो अंडा है गोलाकार महिला आज मेरी बेटी का बर्थडे है आपके इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ पर आप ही बताइए कि होनी को कौन टाल सकता है लेकिन मानना पड़ेगा ऐसी बिना शक्ल बिना अकल वाली बेटी को पाल पोस के आपने बड़ा किया काबिले तारीफ काम किया है आपने पापा सुना आपने इसका आप मुंह क्यों नहीं तोड़ देते बेटे तो मेरी तारीफ सुन नहीं सकती क्या ए अपना डॉक्टर साहब आपकी तारीफ नहीं हुई आपकी बेइज्जती हो रही है ये दे पहले बेइज्जती पूरी बात सुनता है तो हमको नहीं सुनता है इन्होंने क्या कहा पाल पोस के बड़ा किया वो सारा क्रेडिट तो मेरे को ही जाता है ना कैसा डॉक्टर है यार बस हे भगवान कोई मुझसे प्यार नहीं करता नहीं सरला ऐसी कौन सी बात है मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ऐसे कहते तेरे से प्यार नहीं कर खबरदार अगर मेरी बेटी की तरफ देखने की हिम्मत की तो नहीं नहीं इतनी बुरी भी नहीं है दो चार मिनट देखो देखा जाता है शर्म कर बेशरम शादीशुदा है तू शादीशुदा नहीं मानता मैं ऐसी शादी को जो सिर्फ कागजों में खत्म हो गई हो अच्छा इलेक्शन कैंपेन कर रहा है सीधी बात बोलना ऐसे से शादी डॉक्टर साहब दो आत्माओं का मेल होता है फीमेल नहीं चल मैं चलती हूँ कहाँ जा रही हो नानी बस तेरी बात सुनकर आत्मा राम याद आ गए सोचा फोन कर लूँ मैं एक सेकंड पापा ये कैसा बर्थडे ये ना कोई केक ना कोई गिफ्ट लोग अपनी बेटी के बर्थडे के लिए क्या कुछ नहीं करते पाजी बिल्कुल सही कैसा बर्थडे है बेटे बस बस बेटे आज तेरा बाप ये मजबूर मशहूर बाप डॉक्टर गुलाटी वल्द छोटे लाल गुलाटी भरी सभा में ये प्रतिज्ञा लेता है कि तेरे बर्थडे के उपलक्ष में एक शानदार आयोजन होगा पार्टी रखी जाएगी तेरे बर्थडे पर बाप रे
एक बात कहूँ, अगर कप्पू यहाँ होता ना तो मस्त सेटिंग कर देता। अरे बड़े बड़े स्टार्स को जानता है ना, सबको बुला लेता वो। हाँ। मैं भी जानता है, वो भी मेरे को जानता है। कौन जानता है? तू मेरे को नहीं मानता है, लेकिन वो मेरे को बहुत मानता है। जो बड़ा बड़ा स्टार है ना, ये मैं ठानता है कि मैं इस पार्टी में बड़े से बड़ा स्टार मनाएगा और उसको यहाँ लाएगा। देखिए एक मिनट, पार्टी जैसी भी होगी एक चीज याद रखना कि अंडे वाली केक मैं नहीं खाऊंगी। तेरे लिए पार्टी रख ली है हमने, तेरे केक। एज ए फादर भी मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, समझी तू? क्या क्या फर्ज? क्या 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 फर्ज? क्या हाँ, बड़े फर्ज बनते हैं। बेटी तो इतनी छोटी रह गई है, फर्ज बड़े लेकर घूम रहे हैं आप। फर्जी आदमी। पापा चलिए हम तैयारी करते कल की बर्थडे पार्टी की। हाँ हाँ जाओ, बड़े बच्चन साहब आने वाले हैं इनके बर्थडे पार्टी में। ए, 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 आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। आप मेरे पापा को नहीं जानते है ना पापा? बेटे जानते हैं। पापा बच्चन साहब आएंगे ना कल? आएंगे। मेरे बेटे का बर्थडे है, बच्चन साहब आएंगे। तो बच्चन साहब मांगता है, मांगता है। ए, तो आएंगे और भी बड़े सितारे आएंगे। चलो जी सुन, मैं रेडी हूँ, देखते हैं और देखना। बम्पर बम्पर वो ना इतना क्या बैठते। डरना नहीं है आपके लिए। अच्छा एक आपके इलाज के लिए आए हैं। एक काम, इतने सारे लोग ये तीन चार प्रोग्राम कटे आ रहे हैं क्या सुनने के लिए? सर सब आइए बैठिए, इधर बैठ के बात करिए। आइए आइए आइए। क्या गाना गाया आपने, आपको पता है? दिल ही टूट गया आपके जैसा गाया ना, लोग आपका मुंह तोड़ के जाएंगे। पता मेरा मुंह सिग्नल है जो लोग तोड़ के जाएंगे। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। 9876543 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा मार्च में आपका हैप्पी न्यू ईयर आता है? जिसकी एनिवर्सरी पे उसकी बीवी ना हो साथ, तो उसके हाथों है हैप्पी न्यू ईयर ना सिद्धू साहब। हाँ जी, मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 29 नहीं 30 नहीं 31 कितने नहीं 32 सालों से नहीं 33 सालों से ठीक है वो समझ गए। 34 सालों से मैं अकेले, 33 नहीं 32 सालों से होता है, अकेले हनीमून मना रहा हूँ। आपके मुंह में स्पेलिंग फंसे हुए, लाओ झाड़ दूँ। 32 सालों से कर रहा नहीं 37। अरे बस मैं काम करती हूँ, आपने लगता है थोड़ी ज्यादा पी ली है, मैं आप उतारने के लिए। बाप की पिया। हम कमाता है पीता है, 80 रुपए का पौआ पीता है। पिएगा, मेरा एनिवर्सरी है, मैं क्यों नहीं पिएगा। एक काम करती हूँ, आपने बहुत ज्यादा पिए, मैं आपके उतारने के लिए सीढ़ी लेके आती हूँ। सीढ़ी क्यों भाई? नहीं सीढ़ी से चढ़ाया जा सकता है तो उतारा भी तो जा सकता है। सेम थी सिर्फ तो ये जिंदगी में तो मेरा भाई है यार। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता बम्पू? हाँ मैं समझ रही हूँ। अच्छा वो मैं तेरे को सैलरी नहीं देता, वरना तू कब की नौकरी छोड़ के चली जाती। अच्छा फिर जब तू सीढ़ी लेके आएगी ना, तो उसमें डिकचिक डिकचिक अच्छे गाने हो वो लेके आना, ठीक है? क्या ला ला रही हूँ मैं, ला रही अभी लाती हूँ। विद्या जी नमस्ते। इला जी आपको पता मेरे साथ बहुत अजीब हो गया।
मेरी शादी हुई और मेरी बीवी भाग गई। आजकल मैं बिल्कुल सिंगल हूँ गौहर। अगर आपके पास नहीं है कोई शोहर तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। श्री साहब मैं बहुत उदास है, बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्क बनते हैं वो मैं पूरे करूंगा। फर्क नहीं फर्ज। एनीवे तो मैं एज ए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करना चाहूंगा। टेस्ट? यस। आप ग्रुप में बैठे हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू डू योर ब्लड टेस्ट। सब लोग बोलिए ब्लड। ब्लड कटे। ब्लड ब्लड। जोर से बोलो ब्लड। प्यार से बोलो ब्लड। आवाज नहीं आई। प्यार से बोलो ब्लड। आवाज नहीं आई। ब्लड। वेरी नाइस। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत पॉजिटिव। देखिए सिद्धु साहब मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई, ऐसे टेस्ट हो जाते हैं आजकल, पता ही नहीं चलता। एनीवे अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करना चाहूँगा एक सेकंड में आपसे। मेरी वाइफ मेरे को ना, तेरे को ज़्यादा दुख रहा है। मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है। मेरे दोस्त सिद्धु साहब मेरे से पूछते हैं कि कब आएगी तुम्हारी वाइफ, मेरे को नहीं पता। ठीक है आप रोइए। डॉक्टर साहब आप रोइएगा नहीं, आपकी बीवी चली गई कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। नहीं कोई बात नहीं, हाँ रोने की क्या, थोड़ा पटाखा खा लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, बेचारे दुखी हैं, हम आपको तैयार करते हैं ताकि आपके लिए हम अच्छी सी एक डेट सेट करें। ठीक है आप इधर बैठिए बीच में बिल्कुल। हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपके लिए डेट का इंतजाम हो गया है। अच्छा ये रही आपकी डेट। ये रही डेट। खजूर को इंग्लिश में डेट कहते हैं। कैसा लगा हमारा मजाक? ये रख लीजिए आपकी डेट में लेकर आई हूँ। वैसे हैंड ये लीजिए, अब आपकी डेट आपके हाथ में। डॉक्टर मिश्र गुलाटी बल छोटलाल गुलाटी की भरी सभा में बेइज्जती। एक केक मैं नहीं काटेगा ये केक। नहीं आपके लिए, ये डॉक्टर साहब केक आपके लिए है। डॉक्टर साहब सुनिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।